बहुत धूल हो रही है हमारे यहाँ। ये देखो भाई हमारे लाला जी कहाँ बैठे हुए, मतलब हैंगर ला रहे हैं, कभी ये छन्नी ला रहे हैं। ठीक है, हमने सुना था कि बाप के जूते अगर बेटे के पैर में आ जाए तो बाप के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों नवरात्रों की शुरुआत हो रही है कल से और आज हम कर रहे हैं सफाई अभियान। तो सबसे पहले सफाई हमारी कहाँ से हुई है, अपने फ्रिज से। तो इतना सब हमने निकाल दिया, ये देखो मम्मी लेके जा रही है इसके अंजर पंजर और हम करते हैं इसको साफ। और इनके भी पास बहुत सारा काम है, पकड़ो। हमारे पास कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हमारे पास। तो दोस्तों फ्रिज की सफाई चालू है, बट ये इतने काम चोर है ना, क्या बोल के ऊपर गए हैं बहाना मार के कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। अभी इनसे बहुत सारा काम करवाना है, देखते रहना आगे व्लॉग में। और जिनसे काम ना करवाया है ना फिर देख लेना। तो अब दिखाते हैं अपनी मेहनत का फल। ये देखो हमारा फ्रिज क्या चमक रहा है, दूध तो हमने पहले ही रख दिया। यहाँ से देखो लग रहा है ना शोरूम वाला फ्रिज। और बाहर से तो भाई ये है एसी की जाली जो कि हो गई है बहुत गंदी। तो सफाई अभियान में इसको भी करते हैं साफ। और आपको दिखाता हूँ, वैसे ब्रश आप यूज़ कर सकते हो इसको साफ करने के लिए, बहुत अच्छे से साफ होता है। लाइक देख रहे हो बहुत आराम से। दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, मुझे क्या सरप्राइज़ मिला, इन्होंने सारी डस्टिंग कर दी। वाह गुड, अभी तुम्हें और भी करना है। पंखा साफ कर दिया तुमने? तुम्हें गंदा दिख रहा है। कर दिया यार पंखा साफ, मैंने कहा था ना तुमसे मैं इनसे काम करवा के रहूँगी, पर इन्होंने बिना बोले कर दिया। ये देखो आज इनका वर्कआउट यही है, आओ तुम्हें बाहर खिड़कियाँ साफ करनी है। आओ यहाँ, नहीं यहाँ कुर्सी ला के करो। ये अभी बज रहे हैं दिन के 11:30 बजे, सुबह के मतलब सुबह के 11:30 बज रहे हैं अभी। और अभी हमारा कोई काम नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है आज हमारा पूरा दिन निकलने वाला है इसी में। तो देखो इन्हें बहुत धूल हो रही है हमारे यहाँ, जब से काम चल रहा है ना हमारे यहाँ एक साल से, तब से इतनी धूल आने लग गई है। चलो इनको करने देते हैं सफाई और मैं करती हूँ अपना काम। तो दोस्तों सफाई हो चुकी है, झाड़ू लग चुका है, बारी है पोछा मारने की। और आपको एक बात बता देती हूँ, ये इन्हें ध्यान से देखो, इनको और ये यहाँ से भागने की कि तब तक कोई और काम ना बता दे। तो इससे पहले की वीडियो आपने देख ही ली होगी, तो इनको जाना है किसी काम से बैंक। तो आज है 2nd सैटरडे, तो ये मैंने इनको बोला 2nd सैटरडे को बैंक बंद रहता है, तो कह रहे हैं कि क्या पता मेरे वाला खुला हो। तो इनका बैंक थोड़ा सा अनोखा है, तो इन्हें भागने के लिए यही बहाना मिला है कि मेरे वाला बैंक खुला हो, वरना इनको घर में काम करना पड़ जाएगा। और तो ये जा रहे हैं बैंक। क्यों जा रहे हो तुम बैंक? मम्मी ने आवाज़ लगाई इनको चाय पीने के लिए। हाँ देखो मैंने बोला ना चाय पीने के लिए, मम्मी ने आवाज़ लगाई इनको। तो इनको क्यों जाना है बैंक, इससे पहले जो वीडियो देखी होगी उसमें जो देखा होगा उसी के पैसे निकालने जाना है इन्होंने। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप इन अफवाह में ना आए, मैं जा रहा हूँ बैंक अपना ATM बनाने जो खो चुका है, जिसमें थे पूरे के पूरे 99 रुपये। तो जिस किसी को मिला हो वो निकालने की कोशिश ना करे, क्योंकि कितना बड़ा अमाउंट नहीं नहीं क्योंकि ATM में भी 100 से कम निकलते हैं और उसमें 99 और मुझे सारा शक तो इन पे जा रहा है। मैंने इनका ATM गायब कर दिया, मैं इनका वो क्रेडिट कार्ड ना गुम कर दूं, पिन तो मुझे पता ही है। छोड़ो यार मैं एक बार देख के आता हूँ, क्या बैंक खुलाऊ। बाकी मैं मिलता हूँ उस बाद में, ये बने रहेंगे आपके साथ। मैं क्या बने रहूंगी, मैं सफाई करती हूँ। चलो फिर हम दोनों मिलते हैं बाद में। तो असली सफाई अभियान तो अब शुरू हो रहा है। तो ये दीवारों पर मैंने पानी डाल के थोड़ा साफ कर दिया जहाँ तक पानी जाता है, और ऊपर से सर्फ के पानी से धो के ले गया। गर्म पानी है गीजर का,
और सर्फ के पानी से धो के ले गई। मेन बात ये थी धोने की कि जो हमारी पीछे से देखो कितनी आवाज़ आ रही है, और यहाँ देखो इनकी मेन, ये देखो इस पर धूल जमी है ना, इसलिए कपड़े से तो निकल रही है, गीले कपड़े से साफ करेंगे तो ये वहीं चिपक जाती है। तो अब मैंने कहा थोड़ा पानी डाल के साफ करके सर्फ डाल के, तो होप सो साफ हो जाए। तो करते हैं इसको कंप्लीट, आप बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। तो ये देखो भाई कौन आया हमारे यहाँ, हमारा समुराय शिवाय। ओए शिवू बोलो हेलो, वंस अगेन आई एम बैक के मामू के रूम में फिर से आ गए। उसको गोप्रो चाहिए। अब देखो शिवाय चल के दिखाएगा, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, दिखाओ जरा, दौड़ दौड़ लगा के दिखाओ। शिवाय दौड़ने लग गया आराम से। और 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 तो सिवाय ने यहीं पे चलना सीखा है ना। सिवाय ने यहीं पे चलना सीखा है भाई। दांत भी दिखा रहे हैं अपने। वो देखो इसका। मेरे दांत भी आ गए हैं। नहीं। पकड़ो 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 पकड़ो। तो सिवाय ने सबसे पहले चलना यहीं पे सीखा था, बिस्तरे में है ना। हम बोल 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 बोल। तो चलो भाई करते हैं सिवाय के साथ थोड़ी मस्ती और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो भाई हमारे लाला जी कहाँ बैठे हुए, और नहीं पसंद आई है बत्तख, इतना बड़ा हाथी पसंद नहीं आया। अब यार इसको चाहिए रबड़, इसकी इसके लिए मैं लेके आया था बहुत सारे रबड़, वो मैं दूंगा से थोड़ी देर में। सिवाय और सिमी खेल रहे हैं हाइड एंड सीक, जाओ दीदी को ढूंढो। दीदी कहाँ है? अभी गुन्नी। अबे बच्चा आ गया। क्या चाहिए आपको? इरेजर। इसको चाहिए इरेजर। ये कितनी बार आ गई इरेजर के लिए? जो मैं लेके आया था चांदनी चौक से, तो मैं दिखाता हूँ आपको भी। तो भाई सबसे पहले है ये एक बंदूक, जो कि है पेन भी, ठीक है, और एक इरेजर, ये इसमें है स्पेस मैन, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, और एक ये जिसमें है फ्रूट्स की इरेजर, एक ये रोबोट वाली, और एक ये पू, और एक ये कैसल वाली सिम्मी के लिए, सिम्मी ने पहले ये वाली सिम्मी ने पहले यही चूज की थी, ठीक है, और एक ये बनी, और एक ये लास्ट वन पिकाचू। और ये बताओ कि ये क्या हो सकता है? तो आपको ये क्या है, ये चारों तरफ से देख रहे हो कहीं से कुछ नहीं है, ये शार्पनर है, इसको बीच में से जब खोलोगे तो ये शार्पनर है। तो ये सब भाई अच्छे लगते हैं, हमें तो अच्छे लगते हैं ऐसा आइटम, ठीक है। और ये सब हैं, ये इरेजर सब हैं 10-10 रुपए की हैं, ये शायद 30 रुपए का है, और ये भी शायद 30 रुपए की है। और एक और है अंडे, अंडे में से चूजा निकलता हुआ, और एक ये पेंसिल है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसा वो कह रहा था, क्योंकि इसमें मैग्नेट है, ये बाद में दिखाएंगे कैसे काम करती है। बाकी फिलहाल सिम्मी को देते हैं, कौन सी चाहिए आपको? है? एक ही मिलेगी, एक मिलेगी, कोई सी भी चूज कर लोगे। तो ये पूरा थोड़ी मिलेगा, इसमें से एक चीज मिलेगी, कितनी चालू हो रही है। लास्ट टाइम कुछ ले गए थे ना इसमें से? नहीं नहीं चार नहीं थी, पता नहीं। ये पूरा नहीं मिलेगा बेटे, इतनी सारी रेजर एक साथ थोड़ी मिलेगी, एक ही रेजर मिलेगी इसमें से। सिम्मी बहुत चालू हो रही है। इधर आ जा, ले जा ले जा। चलो सिम्मी लेके चलेगी अपनी रेजर। और वैसे आप भी कभी चांदनी चौक जाओ तो यहाँ वहाँ पे स्टार्टिंग में ही उल्टे हाथ पे जो शॉप है ना, वहाँ पे एक खिलौने वाला दिखेगा, वहाँ से अंदर मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी शॉप है ऐसे ही, मतलब क्यूट क्यूट चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। हेलीकॉप्टर मिल जाता है 200 रुपये का, और छोटा वाला
और बहुत सी चीज़ें हैं जो कैक्टस हैं डांसिंग या मतलब क्या कहते हैं, कौन सा कैक्टस होता है बोलने वाला कैक्टस, ठीक है वो मिल जाता है वहाँ पे 200 रुपये का, जो यहाँ मिलता है लोकल मार्केट में 600 से 700 रुपये का। इतना काम करा के अब बारी है खाने की। अरे खाना भी चालू कर दिया, पहले हमारे खाने का वेट नहीं कर रहा, तुमने खाना चालू भी कर दिया है? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे ना इसलिए। तो भाई आज बनी है कढ़ी पकौड़ा और चावल। और इनसे पूछो कि ये आज बैंक खुला था इनके लिए? बैंक खुला था भैया, हम जमा करके आए। चलो यार खाना खाते हो, करते थोड़ी देर आराम, फिर मिलेंगे आपको काम करते हुए शाम को। तो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हो गए हैं शाम के 5:30 और अपन जा रहे जिम। और ये सोयाबीन सो के उठ रहे हैं अभी। अब ये करेंगे कपड़े प्रेस सारे के सारे जब तक हम जिम से आते हैं। ना मैच देखूंगा, ये मैच देखेंगे। और इन्हें चाउमीन मंगाई इन्होंने, इन्हें हाफ प्लेट चाउमीन भेजी है। तो हम जाते हैं जिम, इनके लाते हैं चाउमीन और आप भी मैच इंजॉय कीजिए। तो भाई जिम से आ गया, मतलब आ चुका था, और मैं लेके आया देखो ये छन्नी। शादी के बाद यही चीज़ें आती हैं, मार्केट जाओ कभी मतलब हैंगर ला रहे हैं, कभी ये छन्नी ला रहे हैं, ठीक है ना। तुम अभी भी गुलाब ले जा रहे हो, किस कलर ले जाओगे? ऐसी ज़िंदगी हो जाती भैया शादी के बाद, आप बाज़ार जाते हो तो कटोरी लेके आया ड्राई फ्रूट भिगाने के लिए, छन्नी ले गया, तो इसी का नाम ज़िंदगी है। हाँ चाउमीन भी लाए इनके लिए। तो चलिए खाते हैं खाना और करते हैं आराम, बहुत थक गए आज। क्या काम करा? और अभी वॉक भी करनी है, 45 मिनट्स वॉक कर रही है, ठीक है। खाना खा के जाते हैं छत पे, वॉक करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में जा नहीं पाया, तो सोचा रात को ही कर ली जाए वॉक एंड इनके साथ टॉक। एंड इंडिया जीत चुकी है। हाँ इंडिया जीत चुकी है यार, बहुत ईजीली, मतलब क्या करा ये, रोमांच नहीं था, इतनी जल्दी खत्म कर दिया बेचारे लोग, इतनी टिकट मतलब महंगी टिकट लेके गए देखने। चलिए जो भी है हम करते हैं डिनर और मिलते हैं आपसे छत पे। तो भाई खाना पीना खा के हम आ गए ऊपर घूमने, तो अब चलते हैं नीचे, काफी लेट हो गया, 10:15 हो गए। और ये देखो जूते किसके पहन के घूम रहे हैं, दिखाइए जरा। तुम्हारे? मेरे जूते पहन के। हमने सुना था कि बाप के जूते अगर बेटे के पैर में आ जाए तो बाप के बराबर हो जाते। अब हमारे जूते इनके पैर में आ रहे तो हमारे बराबर हो गए हैं, हमारे बराबर हो गए। और नहीं तो क्या, हमारे बराबर हो गए, हमारे बराबर। ये आदिशक्ति, आदिशक्ति का रूप है ये, तो ये कब काली का रूप ले ले पता नहीं है। रूप लेने वैसे है जरूर। चलो यार करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल। कल है 1st नवरात्रा, कल रहेगा फास्ट सबका, और समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और राम राम सभी को।